हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुषमा और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं नया कंटेंट लेकर आई हूँ आपके लिए, और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और भी क्वेश्चंस आते रहेंगे आगे, क्योंकि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम बिल्कुल आने ही वाला है। तो मैं उसी को टारगेट मान के चीज़ें लेकर आ रही हूँ, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी टॉपिक हो सोशियोलॉजी से रिलेटेड, तो आप उसको कमेंट में लिखिए, ताकि मैं उससे रिलेटेड वीडियोस आगे बना सकूं, ठीक है। और आपके लिए और भी ज़्यादा सुगम हो जाए नेट को क्वालिफाई करना, क्योंकि नेट को क्वालिफाई करना एक तरफ से देखा जाए तो एक ट्रिक ही होता है। जब आप ट्रिक पकड़ लेंगे तो आप बार बार उसको क्वालिफाई करने लगेंगे, जैसे कि मैंने भी 9 बार क्वालिफाई किया हुआ है। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि आपका भी नेट अच्छे से क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि गुहा के अनुसार कौन सी जाति है जो न केवल उद्यमिता में आगे बढ़ी बल्कि व्यवसाय एवं बैंकिंग का भी अच्छा अनुभव उसको हुआ। कौन सी जाति है? पारसी जाति, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि सतीश सब्बरवाल ने कहाँ की जातियों और परिवारों का अध्ययन किया? तो सतीश सब्बरवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप हो सकता है पहली बार सुन रहे हो, लेकिन इनसे रिलेटेड और भी चीज़ें, इन्होंने कई मॉडल दिया है, छुआछूत का भी उन्होंने अध्ययन किया था, उसका भी मॉडल दिया था, ठीक है। आर्य समाज का अध्ययन किया था उन्होंने, छुआछूत का टैली किया हुआ था कि कौन से इसमें वो हैं, अंतर कौन से हैं, तो मॉडल दिया था इन्होंने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सतीश सब्बरवाल ने पंजाब की जातियों का अध्ययन किया। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि अपने राजनीतिक विचारों में गांधी जी ने पूर्ण आदर्श राज्य, राम राज्य और उप आदर्श राज्य, अहिंसात्मक राज्य की अवधारणा कहाँ से ली? तो यह है प्लेटो के दर्शन से उन्होंने ये दोनों ही कॉन्सेप्ट लिया हुआ है, ठीक है। क्या है? राम राज्य और अहिंसात्मक राज्य, ठीक है। अगला है सविनय अवज्ञा एवं करबंद की प्रेरणा गांधी जी ने कहाँ से ली? थोरो से, ठीक है। थोरो के दर्शन से उन्होंने लिया हुआ है। कि गांधी जी राजनीति में किसकी भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं? वो है धर्म की भूमिका को वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। उन्होंने ये भी कोटेशन दिया है, नीचे देख लीजिए, कि धर्म से रहित राजनीति मात्र कूड़ा है। यानी यदि राजनीति में धर्म नहीं है तो वो राजनीति किसी काम की नहीं, वो एक कूड़ा करकट है, ठीक है। ये बात गांधी जी ने बोली है। फिर अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के अनुसार समाजवाद का विकल्प क्या है? सर्वोदय। देखिए, हर जगह समाजवाद फैल रहा है, तो उसके लिए गांधी जी ने बोला कि यदि समाजवाद को छोड़ दिया जाए तो समाजवाद के विकल्प के रूप में हमको क्या लेना चाहिए? तो सर्वोदय है। देखिए, समाजवाद आप जानते हैं कि समाजवाद में व्यक्ति को उसके क्षमता अनुसार कार्य करने का अवसर मिलता है और कार्य के अनुसार वेतन मिलता है, ठीक है। लेकिन सर्वोदय जो है वो सभी के कल्याण के लिए है, जिसके पास ज़्यादा धन हो वो कम धन वाले को, या फिर जिसके पास जो निर्धन है उनको दे दें, तो इससे समानता बनी रहेगी, इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है ये। कि गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु कौन सा उपाय बताया? तो कौन सा उपाय बताया इन्होंने? आत्मनियंत्रण। इन्होंने बोला कि कोई भी साधन यूज नहीं करना, बिल्कुल आत्मनियंत्रण के द्वारा हम परिवार को नियोजित करेंगे, इसकी बात उन्होंने बोली थी। फिर अगला क्वेश्चन है कि एथेंड मेडिसिन को देशी औषधि के अलावा और कौन से नाम से जाना जाता है? तो क्या नाम है? पारंपरिक चिकित्सा, ठीक है, पारंपरिक चिकित्सा नाम है। देखिए, आप जानते होंगे कि एथेंड मेडिसिन यानी कि पारंपरिक चिकित्सा जो है, इसमें पेड़ पत्तों और छाल से लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है, कभी उल्टा लटका के, कभी शरीर की किसी विशेष तेल से मालिश करके। तो इसी आधार पर जो परंपरागत रूप से चिकित्सा की जाती है, भारत में भी यूनानी चिकित्सा पद्धति है, नेचुरोपैथ है, आयुर्वेद है, इसमें पारंपरिक चिकित्सा के ही दर्शन होते हैं हमें। तो इन्हीं के द्वारा जो ट्रीटमेंट होता है, तो वो जो औषधि यूज होती है उसको एथेंड मेडिसिन बोलते हैं, चिकित्सा की भाषा में। अगला है राजनीतिक जागरूकता के लिए किसानों ने किस वर्ष आंदोलन चलाया? कौन सा वर्ष है? 1946 से 1950 तक आंदोलन चला था, क्योंकि 1946 में शुरू हुआ था, 1950 तक ये लगभग समाप्त हो गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि देशी ज्ञान प्रणाली में देशी चिकित्सा ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए किस मेला का आयोजन किया गया था? अभी हाल ही में पिछले वर्ष किस मेले का आयोजन किया गया था? आयुष अंतर्राष्ट्रीय मेला, देशी ज्ञान प्रणाली परंपरागत चिकित्सा के प्रसार के लिए, ठीक है। अगला है कौन सी औषधियाँ लुप्त होने के कगार पर हैं? तो कौन सी औषधियाँ हैं? भृंगराज है, चितावर है और नागरमोथा, ये तीनों ही औषधियां हैं जो लुप्त होने के कगार पर हैं।
अगला क्वेश्चन है कि किसान सभा किसानों के संघर्ष के लिए किस वर्ष गठित की गई। ठीक है, किस वर्ष गठित की गई किसान सभा, वो है 11 अप्रैल 1936। तो ये किसान सभा है, ठीक है, किसान सभा का गठन हुआ इसमें। अगला क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन कब और किसने चलाया। तो कब चलाया गया था, 1950 में, और किसने चलाया था, आचार्य विनोबा भावे ने। ठीक है, तो ये भूदान आंदोलन था, इसमें क्या था कि जिसके पास ज़्यादा ज़मीनें थी, जो बहुत ज़्यादा ज़मीन रखते थे और वो खेती नहीं कर पा रहे थे, उस पर किसी भी कारण से उसका यूज़ नहीं था उनके पास, बस वो थी उनके पास, तो वो स्वेच्छा से अपनी ज़मीनें जो है दान कर देते थे और भूमिहीन कृषकों को वो ज़मीनें दे दी जाती थी। तो ये एक विशाल आंदोलन के रूप में चला था, ये आचार्य विनोबा भावे ने चलाया था। अपने संकलन में ब्रिटिश संसद की आलोचना करते हुए गांधी जी ने इसकी तुलना बांझ और वेश्या से की। कौन सा उनका पुस्तक था, कौन सा संकलन था, वो था हिंद स्वराज। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं और भी अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको अच्छा लगता हो मैटर तो इसको शेयर भी कीजिए। ओके, बाय।